कुख्यात डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। 5.5 लाख के इनामी दुर्दांत गौरी यादव के पास से एसटीएफ को AK-47 और भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ शनिवार की सुबह करीब 3:30 बजे बहिलपुरवा के जंगल में हुई। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए सिरदर्द बने गौरी यादव के साथ खौफ के लंबे अध्याय का अंत हो गया। आपको बता दें, गौरी यादव पर उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का इनाम था और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। गौरी यादव पिछले 20 साल से बुंदेलखंड के जंगलों में दहशत का पर्याय बना हुआ था। उसके खिलाफ 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। गौरी यादव लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहा था, लेकिन 4 महीने पहले अचानक ही इसने चित्रकूट के जंगलों में फायरिंग कर दहशत फैला दी थी, जिसके बाद से एसटीएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी थी। करीब 20 साल पहले डकैती की दुनिया में एंट्री करने वाले गौरी यादव ने 2005 में अपना अलग गैंग बनाया था। 2008 में ददुआ और कुछ दिन बाद ठोकिया के मारे जाने के बाद 2009 में गौरी यादव भी गिरफ्तार हो गया था। बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया था। फरार डकैत गौरी यादव चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के बलहरी गांव का रहने वाला था। उसकी तलाश में कई पुलिस टीमें लगी थी। डकैत गौरी यादव ने मई 2013 में दिल्ली से मामले की जांच करने पहुंचे दरोगा की हत्या कर दी थी। इसके बाद मई 2016 में गोपालगंज में 3 ग्रामीणों को खंभे से बांधकर गोली मार दी थी। मुठभेड़ में गौरी यादव के साथ ही लंबे समय से कायम एक दहशत का खात्मा भी हो गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।